हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेज अनीता फ्रॉम हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर टू। चैप्टर टू में हम कर रहे हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स है क्या, हम इनका यूज क्यों करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? देखिए, ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच इज यूज टू अप्लाई टू और मोर ऑपरेंड्स टू कैरी आउट सम मैथमेटिकल और लॉजिकल रिजल्ट्स। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो अप्लाई करते हैं हम ऑपरेंड्स पे, वो एक भी हो सकता है, दो और मैनी ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, टू कैरी आउट सम मैथमेटिकल और लॉजिकल रिजल्ट्स, जिसमें हमें जो कैरी करता है मैथमेटिकल या लॉजिकल रिजल्ट्स। मैथमेटिकल में हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, और लॉजिकल में हम कंपेरिजन ऑपरेटर्स लेते हैं, एंड और नोट, इस तरह के। ये हम डिटेल से आगे करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं ऑपरेटर का, ए प्लस बी। यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? प्लस। ए और बी क्या है? दो ऑपरेंड है। ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमें ऑपरेंड की जरूरत होती है। यहाँ पर ऑपरेटर को यूज करने के लिए कम से कम एक ऑपरेंड होना चाहिए, एक कम से कम एक, या फिर मैनी भी हो सकते हैं। देखिए, हेयर ए एंड बी आर ऑपरेंड्स, एंड प्लस इज ए सिंबल विच इज शो द ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द ऑपरेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जाना व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जिसको हम ऑपरेंड्स पे अप्लाई करते हैं सम मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए। फिर है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं? अर्थमेटिक, रिलेशनल, अर्थमेटिक ऑपरेटर जमा घटा गुना के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इनका यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर, इसका यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स का हम सबका यूज करते हैं। इन ऑपरेटर्स का इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम जो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, देखिए, सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। फिर है इसका प्रोग्राम। ये देखिए, ये हमने प्रोग्राम लिया है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, यहीं से शुरू होता है हमारा प्रोग्राम। वेरिएबल एबीसी, ये वैल्यू हमने ली और इन दोनों को एड कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सी को हमने प्रिंट करा लिया है। तो इस तरह हम इसका यूज करते हैं। इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। नोटपैड पे गए, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, यहां पे हम लेंगे वेरिएबल ए कोमा बी कोमा सी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम इसमें कीवर्ड यूज करते हैं, जब दो चीजों को, दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो पार्स इंट, ये प्लस ऑपरेटर, नहीं तो इनको एज ए स्ट्रिंग मानकर उन दोनों को एड कर कंकेट कर देता है। अगर हम कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहे हैं तो आंसर सही आएगा, लेकिन अगर हम रन टाइम वैल्यू दे रहे हैं तो इसमें मिस्टेक्स होती हैं। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे, पी ए आर एस ई, I कैपिटल में लिखेंगे, NT, पार्स इंट ए प्लस। अब हम यूज करेंगे पार्स इंट और यहां पे लिखेंगे B। देखिए, ये प्लस ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग को कंकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये स्ट्रिंग ऑपरेटर, एक प्लस जो है हमारा एज ए स्ट्रिंग ऑपरेटर इसका यूज करते हैं। अगर हम नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं तो हम पार्स इंट कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि इनको कंकेट न करके इनको प्लस करेगी ऑपरेटर। अलर्ट सी, स्क्रिप्ट, इसका हम यूज करते हैं ए ए वन वन डॉट एस टी एम एल। डेस्कटॉप पे सेव किया हमने, देखिए इसको ओपन विद
ये देखिए ये आंसर आ गया हमारा, तो ये हमारा आंसर है। ये प्रोग्राम हमने किया मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। इस तरह हम इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन मॉडुलस डिवीजन सबका यूज कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स देखिए ये सिंबल है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये इनका मीनिंग है। सबसे पहले सिंबल है, ये सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सिक्स रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इनका यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं कि कोई भी चीज लेस देन है ये दूसरी से या ग्रेटर है इक्वल है, अगर वो इक्वल है या नहीं या नॉट इक्वल है, तो कंपैरिजन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ये उसका प्रोग्राम है, देखिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट एबीसीडी। ये वेरिएबल लिए हैं हमने, ए में वैल्यू दी बी को वैल्यू दी, फिर हम यूज कर रहे हैं ए इज लेस देन बी, ये हमने यूज किया ए इज लेस देन बी। अलर्ट में हमने इसका रिजल्ट प्रिंट कराया, फिर है डी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी, और अलर्ट में डी को फिर हमने प्रिंट करा लिया। तो इसका भी एक हम प्रोग्राम करके देखते हैं। नया लेते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ए कोमा बी कोमा सी हम यहाँ पे यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू 89, बी इज इक्वल टू 45, सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे सीधा सी और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यहाँ पे हम लिखते हैं ea12.html, हम इसका आंसर देखते हैं। ये ट्रू, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह हमने इसको यूज करके देखा। यहाँ पे हमने सिर्फ लेस देन का यूज किया, ऐसे ही अगर हम लिखते हैं d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये हमने किया अभी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। अभी हम आगे करते हैं, अगला ऑपरेटर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ये वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू 45, बी इज इक्वल टू 90। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने इनको वैल्यू असाइन किया, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5, और इसको 10 और एक्स को 10 और वाई को 5 मानकर हम इसका यूज करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का x इज इक्वल टू y, तो इसमें y की वैल्यू x के अंदर रखी है हमने, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 5। अब यहाँ पे प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a प्लस बी इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, आंसर आएगा 15। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लीकेशन में 50, 2, मॉडुलस 0। तो इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में ये हमारे पास सिंबल है और ये उनके मीनिंग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, फिर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की ट्रूथ टेबल बनाई है हमने, ये देखिए ये कैसे वर्क करता है। हम दो कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू ही रहेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स है, तो आंसर हमारा फॉल्स ही रहेगा।
फिर फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी फॉल्स है और सेकंड वाली ट्रू है, तो एक भी अगर फॉल्स है तो हमारा आंसर फॉल्स ही रहेगा, फर्स्ट ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो आंसर हमारा फॉल्स ही रहेगा। जीरो है वो फॉल्स को इंडिकेट कर रही है, वन है ये ट्रू को इंडिकेट कर रही है। तो इस तरह ये हमारे रिजल्ट आ गए ए एंड बी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आंसर ट्रू है, बाकी केसेस में ये फॉल्स शो करेगा। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम बनाया वेरिएबल ए कोमा बी कोमा सी, ए इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू 56, ए इज ग्रेटर देन बी पहला लगा रहे हैं हम, कंडीशन पहली ये है, फिर एंड लॉजिकल ऑपरेटर दूसरी कंडीशन दे रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ही हमारा आंसर है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स रहेगा। देखिए इसको हम चेक करते हैं नया लेते हैं स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल यहां पर हम ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, बी को भी वैल्यू देंगे, और हमने यहां पे लिखा था ए इज जो भी वैल्यू ए इज ग्रेटर देन बी, फिर हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे, सेकंड हमने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू बी अलर्ट, आंसर प्रिंट करा रहे हैं और स्क्रिप्ट है क्लोज। AA13.html सेव किया हमने प्रोग्राम को, प्रोग्राम सेव करने के बाद इसका हम रिजल्ट देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। ये देखिए आंसर हमारा ट्रू आया है। देखिए अगर मैं इस कंडीशन को चेंज कर देती हूँ, देखिए मैं करती हूँ ए इज लेस देन बी, अब ए तो हमारा ग्रेटर है, ए हमारा ग्रेटर है, अब ये कंडीशन क्या है फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो इस तरह हम इसमें वैल्यू चेंज भी करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर अब क्या बनता है, अब क्या बन रहा है। तो अभी हम वापिस आगे करते हैं, ये हमने प्रोग्राम किया एंड ऑपरेटर का, अब हम करते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर। देखिए ट्रूथ टेबल में भी हम दो कंडीशन लेकर चलते हैं, कंडीशन एक हमारे पास है कि जिसमें आंसर ट्रू में है, वन मतलब ट्रू है, सेकंड भी हमारा हमारी जो कंडीशन है वो भी ट्रू है, तो आंसर हमारा ट्रू ही रहेगा। फिर फर्स्ट कंडीशन के अंदर फर्स्ट वैल्यू के अंदर हमारी है आंसर हमारा है ट्रू, सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो आंसर हमारा ट्रू ही रहेगा, क्योंकि और ऑपरेटर के अंदर अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही रहता है। यहाँ फिर यहाँ फर्स्ट कंडीशन है फॉल्स और सेकंड कंडीशन हमारी है ट्रू, तो आंसर ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारा आंसर है वो फॉल्स में रहता है। देखिए यहाँ ए और बी, यहाँ पे ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू, क्योंकि ये और लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे फॉल्स और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ये फॉल्स उसी केस में होगा जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी, तो ये हमारा और लॉजिकल ऑपरेटर है। अब हम करते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज, यहाँ पे एक ही गिवन कंडीशन होती है हमारे पास, या तो वो ट्रू है या वो फॉल्स है, तो हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं ट्रू है तो आंसर फॉल्स में रहेगा, और अगर हमारा हमारी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर हमारा ट्रू में रहेगा, ये हमें अपोजिट आंसर देता है। तो इस तरह हमने इसका हमने पढ़ा कि ये वर्क कैसे करता है, अब हम इस प्रोग्राम को करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, यहां पर हम लेंगे ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू 67, बी इज इक्वल टू 56, यहां पे हम
कंडीशन देंगे, पहले नॉट इक्वल टू और अब लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, अलर्ट यहां पे लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग क्लोज, यहां पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है हमें। इसको सेव करते हैं ae14.html। इसी में थोड़ी चाहिए हमारा, ये हमारा आंसर इसमें आएगा, ये प्रोग्राम है हमारा, देखिए ट्रू आंसर क्या है, ट्रू। ये देखिए यहां पर हमने वैल्यू दी है 78 और ये 45, ये हमने यहीं से मानकर चलते हैं। और इक्वल टू बी, अगर ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो इक्वल नहीं है और हम कंडीशन दे रहे हैं पहले नॉट इक्वल फिर रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं ए इज इक्वल टू बी, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आंसर हमारा ट्रू आएगा क्योंकि ये हमें अपोजिट आंसर देता है। तो ये हमने किया नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम। अब आते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेटर पे, देखिए द प्लस ऑपरेटर एंड प्लस असाइनमेंट इज इक्वल टू ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज टू कंकेट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को कंकेट के लिए यूज होता है। देखिए टेक्स्ट वन गुड, टेक्स्ट टू मॉर्निंग, हम दोनों को टेक्स्ट थ्री के अंदर ऐड करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट थ्री इज इक्वल टू टेक्स्ट वन प्लस टेक्स्ट टू गुड मॉर्निंग, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा गुड मॉर्निंग। देखिए इसका भी एक प्रोग्राम कर लेते हैं हम, यहां पे इसको हम हटा देते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, यहां पे हम लिखते हैं वेरिएबल नेम वन कोमा नेम टू कोमा नेम थ्री, जिसके अंदर हमें ऐड करना है नेम वन इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं हम वेल, यहां पे फिर हम नेम टू यहां पे लिख देते हैं डन, फिर नेम थ्री इज इक्वल टू नेम वन प्लस नेम टू। अब इसको प्रिंट कराते हैं, अलर्ट यूज करें या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम इन दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेम थ्री देखिए स्क्रिप्ट टैग क्लोज, उसी में हमने सेव कर दिया ae14 के अंदर ही। इसके अंदर वेल डन ये लिखा हुआ गया। तो इस तरह हमने स्ट्रिंग को कंकेट कर लिया, ये स्ट्रिंग ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है। तो ये तो था हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। यहां से पीपीटी पे आते हैं फिर से हम, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वैल्यू की, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वन बढ़ा देता है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम पहले ऑपरेटर यूज करते हैं फिर वेरिएबल, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वेरिएबल यूज करते हैं फिर इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा प्रोग्राम है। देखिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, ये हमने वैल्यू ली ए के अंदर बी के वेरिएबल के अंदर, हमने ये हमने वहां पे वैल्यू यूज कर रहे हैं ए और बी में, सी के अंदर हमने प्लस प्लस ए लिखा है।
और बी के अंदर हमने यहाँ प्री इंक्रीमेंट यूज किया या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, तो हम इन दोनों का रिजल्ट देखते हैं। इसको फिर से रन करते हैं, रन करके देखेंगे। एक ऑपरेटर और है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये देखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाई वन, ये एक वेरिएबल की वैल्यू को एक घटा देता है। ये भी दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम पहले ऑपरेटर यूज करते हैं फिर वेरिएबल, पोस्ट इन डिक्रीमेंट में पहले वेरिएबल फिर ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इन दोनों की प्रोग्रामिंग में इनके आंसर में डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे अभी प्रोग्राम के थ्रू, कि अगर मैं इस ऑपरेटर का यूज वेरिएबल से पहले करती हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, अगर बाद में करते हैं तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आता है, प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम प्रोग्राम का रिजल्ट देख के फिर देखते हैं। यहां से हम यूज करते हैं, नोटपैड पे गए, इसी के अंदर कर लेते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल सी कोमा डी। ए में हमने यूज की ये वैल्यू, बी में हमने यूज की ये वैल्यू। अब हम सी इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे प्लस प्लस ए, फिर हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू यहां पर बी प्लस प्लस, यहां पे हमने लिखा ये हम, अब इसका अलर्ट ए इज ए की वैल्यू, फिर अलर्ट बी इज स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज किया, सेव करते हैं प्रोग्राम को, इसी में हमने सेव किया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, देखिए ओपन विद ये देखिए a इज इक्वल टू 57, वहां पे हमने 56 दिया था तो ये 57 है, b इज 53। देखिए इसमें वैल्यू देखिए, अरे यहां पे देखिए यहां पर a और यहां पे हम वैल्यू देते हैं c को और यहां पे प्रिंट कराते हैं d को, ये वैल्यू को हम डायरेक्टली प्रिंट करा रहे थे तो वो एक एक वो बढ़ा के दे रहा था, ये हमने b और c में देखा। अब c और d की वैल्यू देखते हैं, ये देखिए a इज 57 b इज 52, यहां पे भी हमें चेंज कर दो C और यहां पे भी चेंज कर देते D। ये देखिए 57 इसका आंसर आया था, इसका 52। अब प्री इंक्रीमेंट में ये है कि सबसे पहले अगर ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये वैल्यू को तुरंत एक बढ़ा देता है, हमारे पास वैल्यू होगी 57। यहां पर D के अंदर हमने लिखा है B++, पहले वेरिएबल यूज किया है उसके बाद हम यूज कर रहे हैं ऑपरेटर, तो ये जो एज इट इज वैल्यू है ये हमें गिवन मिलेगी, जब इसको प्रिंट कराएंगे डी को तो एज इट इज वैल्यू शो होगी, लेकिन जब इसका यूज हम आगे कहीं करेंगे तो हमें एक बड़ी हुई वैल्यू मिलेगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो आंसर होगा वो 52 है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्री में और पोस्ट में। प्री तुरंत एक बढ़ा देता है लेकिन जो पोस्ट है वो एज इट इज वैल्यू पहले होल्ड करता है फिर उसको बढ़ाता है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो भी ऐसे यूज होता है प्री में भी और पोस्ट में भी, प्री में भी और पोस्ट में भी। तो अब हम आगे करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका ये हम कर चुके। असाइन वैल्यू एट रन टाइम, ये देखिए हमें रन टाइम पे वैल्यू कैसे असाइन करनी है, अभी तक हम कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज कर रहे थे वेरिएबल्स के अंदर, अभी हमें
कीबोर्ड के थ्रू रन टाइम पे वैल्यू देनी है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा नंबर वन, नंबर टू और एक हमने थर्ड वेरिएबल लिया है सब। नंबर वन में प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ नंबर वन, नंबर टू में नंबर टू ऐसे लिखेंगे। प्रॉम्प्ट कीवर्ड यूज करते हैं वैल्यू को इनपुट देने के लिए, हमें वेरिएबल्स को में इनपुट वैल्यू देने के लिए, इनपुट कराने के लिए। और ये अलर्ट हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है, ये हमारी इनपुट है प्रॉम्प्ट है जो यहाँ पे ए सब में नंबर वन माइनस नंबर टू। देखिए इस प्रोग्राम को भी हम करके देखते हैं। हमें अब इनकी वैल्यू है ये रन टाइम पे लेनी है प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ ए, बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू ऑफ बी, सी इज इक्वल टू हम यहां पे प्लस कर रहे हैं तो हमें पार्सेंट कीवर्ड यूज करेंगे पी ए आर एस ई आई कैपिटल में पार्सेंट ए प्लस पी ए आर एस ई आई एन टी पार्सेंट बी, फिर अलर्ट ए प्लस बी सीधा ही लिखते हैं, सी में आंसर लिया है, फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। इसका रिजल्ट देखते हैं। इसको देखिए एंटर वैल्यू ऑफ ए 45, एंटर वैल्यू ऑफ बी 45, ये आंसर आ गया 90। ये देखिए तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हमने ये रन टाइम पे वैल्यू ली है वेरिएबल्स में। तो इस तरह हमने रन टाइम वैल्यू का इस तरह हम यूज करेंगे। वापस स्लाइड्स पर आते हैं। थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करते हैं और हम रन टाइम पे वैल्यू कैसे लेते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक।